हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज पहले भी मैंने आपको बताया था कि BEPSC 65 में 500 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो उससे संबंधित खबर आज हिंदुस्तान पेपर में भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है पूरा मामला, तो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 500 से ज़्यादा रिक्तियां आएगी। कार्मिक विभाग की ओर से रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। तैयार कर ली गई कुछ विभागों की रिक्तियां आनी शेष है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि 20 जून तक विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। बताया कि जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, एक माह तक आवेदन लिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। काफ़ी लंबे समय के बाद आयोग ने अपने एकेडमिक कैलेंडर में सुधार किया है, अब सभी परीक्षाएं समय पर हो रही है। 500 से ज़्यादा सीटों के लिए आवेदन लिए जाने की उम्मीद है। हालांकि आयोग के पास अब तक 300 से अधिक वैकेंसी के लिए विभाग से रिक्तियां प्राप्त हो चुकी है, यह संख्या बढ़ेगी। आयोग ने कार्मिक विभाग से समय पर रिक्तियों की सूची मांगी है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह विभाग में 68, सामान्य प्रशासन के 30, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के 19, ग्रामीण विभाग विकास विभाग में 110, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 11, श्रम संसाधन विभाग में 29, पंचायती राज विभाग में 14, अनुसूचित व जनजाति में 18, पर्यावरण एवं वन विभाग में 7, शिक्षा विभाग में 7, अल्पसंख्यक विभाग में 75 और निर्वाचन विभाग में 46 और गन्ना विभाग में 4 रिक्तियों की जानकारी प्राप्त हो रही है। हालांकि इसमें कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। प्रतियोगी छात्र जो हैं यहाँ पर एक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तैयारी में जुड़ जाना चाहिए। तो ये जो पूरा मामला है आपको पहले ही बताया, बहुत लोग इसे जो मैंने पूरा जो लिस्ट बताया था उसको बहुत लोग फेक कर रहे थे, लेकिन वो फेक नहीं था, मुझे पता था कि वो सही है। बहुत सारे लोगों को बार बार यही कर उन किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो 65वीं में 500 और जहाँ तक जानकारी 503 तो आ गई है, मैंने आपको बताया है, और ये सीटें बढ़ेगी। जहाँ तक बात है कि एक जो राजस्व पदाधिकारी है CO, उसकी संभावना बढ़ेगी, तो हो सकता है 500 के बजाय 700 या 800 भी हो सकती है। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी भी अभी तक उसमें बिल्कुल ऐड नहीं हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 700 वैकेंसी आ सकती है। और सबसे बड़ी जो खबर है, ये जो वैकेंसी है आपको 20 जुलाई तक आपको विज्ञापन निकाल दिया जाएगा, ये 20 जून तक, और 1 जुलाई से आपको शुरू हो जाएगा आवेदन की प्रक्रिया, मतलब भरने की शुरू होगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि 20 जून से ही आपको विज्ञापन निकलना शुरू हो जाएगा, विज्ञापन निकल जाएगा 65वीं का। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, ये डेट अभी नहीं निकलेगी, बहुत लोग पूछ भी रहे थे, ये सब संशय में नहीं रहे, और ये क्लियर हो गया कि 65वीं की वैकेंसी है जो कि आ गई है। जहाँ तक बात है कि 65वीं की तैयारी कैसे करें, तो आप हमारे साथ थे जो कि कंटिन्यू है, जो कि बने रहें, और मेरा जो टारगेट है कम से कम 105 प्लस जरूर रहना चाहिए। और हमारे चैनल पर, क्योंकि मैं जो कि टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ, आज तीसरा डाला हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं, और 36 जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आप देख सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू है, क्योंकि डेली है जो कि एक एक सेट डालूंगा, और बिहार स्पेशल 10 और करेंट अफेयर्स डाला हूं, और उससे आपको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित रूप से आपका 105 प्लस आएगा। और किसी भी प्रकार की 65वीं BPSC से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और 63वीं की जो, जहाँ तक बहुत लोग अपडेट मांगते हैं 63वीं रिजल्ट, तो ये लगता है कि डिले होगा, जून के लास्ट में हो सकता है निकले, क्योंकि अभी तो कोई खबर है नहीं 63वीं की। और जो सीटों की संख्या आपको दी जा रही है, तो सबसे ज़्यादा जो आई थी वो 64वीं में 1435 सीट आई थी, 65वीं में 500 के लगभग, मतलब 300 के आ चुकी है, लेकिन अगर ऐसे कहा जाए तो 503 की आ गई है और दो चार आने बाकी है। तो उम्मीद है कि, मुझे ज़्यादा तक उम्मीद है कि 600-700 भी हो सकती है। और ये तो इसकी तैयारी के लिए मैंने बताया है कि करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल पर ज़्यादा ध्यान देना, लगभग जो कि 60 क्वेश्चन है जो कि उससे रहेंगे, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और जितने भी परीक्षार्थी जो पहले प्री निकाले हैं और फिर कंटिन्यू नहीं निकाल पाए, उसका कारण है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स को विशेष रूप से जनवरी 2019 से ध्यान देना है।
तो इसी खबर, बड़ी खबर के साथ धन्यवाद।